चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और इसी कड़ी के बीच में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीवान पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही साथ भोजपुरिया अंदाज में सीवान की जनता से तेजस्वी यादव मुखातिब हुए। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए आप इस वीडियो में। एक बार सब लोग खड़ा कर दिया, हम एक बात कहना चाहते हैं कि दातुन के चक्कर में वृक्ष मत कबाड़ दीजिए। रावण ने बुझाता, अब बुझाता तो हाथ उठा के ना बोलो बुझाता। एक रहना है, एकजुट रहना है। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं, विदाई तय है कि नहीं है। और गरीब का राज को ला रहे, किसान नौजवान मजदूर के राज को हम लोग बनाएंगे। ये लड़ाई कोनो नीतीश जी और तेजस्वी के नहीं थे, कोनो लालू जी और मोदी जी के नहीं थे। ये लड़ाई बस सरकार और जनता के भी, और इस लड़ाई में जनता के जीत होने जा रहा है। हम जनता के साथ खड़े हैं। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।